नमस्कार, गुड इवनिंग। INI न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले नजर डालेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ में मृतक रेंजर को शहीद का दर्जा और हत्या के CBI जांच की मांग लंबित, 3 माह के लिए स्थगित हुआ आंदोलन। पंजाब में चुनावी घोषणा की तैयारी, चल रही जोरों शोरों से। छत्तीसगढ़ अंत्यावसायी उद्यमी प्रशिक्षण केंद्र सारंगढ़ के प्रभारी कर रहे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। बिहार में होली पर्व को लेकर शराब तस्करी करने वालों की हरकतें बढ़ी, 2 लग्जरी कार से 328 बोतल शराब बरामद। छत्तीसगढ़ में ट्रेलर की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर, धरने में बैठे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के लैलुंगा में पदस्थ रेंजर DR लदेर को शहीद का दर्जा और हत्या के CBI जांच की मांग पर परिजन और नागरिक मंच का आंदोलन फिलहाल स्थगित हो गया है। शासन ने स्वर्गीय DR लदेर के नाम पर हर साल वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस पुरस्कार में स्वर्गीय DR लदेर की स्मृति में 1 लाख रुपए नगद के साथ प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं स्वर्गीय लदेर की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति और बच्चों को शासन निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। गौरतलब है कि 20 फरवरी को रायगढ़ जिले के लैलुंगा में पदस्थ रेंजर DR लदेर की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से परिजन और स्थानीय लोग स्वर्गीय लदेर को शहीद का दर्जा दिए जाने, हत्या के CBI जांच की मांग को लेकर आंदोलनरत थे, जिसके बाद आज शासन की ओर से प्रतिनिधि मंडल बनाकर धरना स्थल भेजा गया, जहाँ स्वर्गीय लदेर के नाम पर वीरता पुरस्कार, पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था के प्रस्ताव के बाद आंदोलन 3 माह के लिए स्थगित किया गया है। परिजनों ने कहा कि अगर स्वर्गीय DR लदेर को शहीद का दर्जा और हत्या के CBI जांच की मांग पूरा करने 3 माह का वक्त शासन को दिया जा रहा है, शहीद की जगह में उनके जगह वीरता पुरस्कार दिया जाएगा उनके नाम से, मैं सहमत हूं उनसे। और बाकी रही जो हमारी 2 मांगे कि मेरी भाभी को समकक्ष पोस्ट में किया जाए और अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और बच्चों को जो केंद्रीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, वो मांगों के बारे में उन्होंने अभी कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया है। इतना ही बोले हैं कि ये विचाराधीन है, हम आपकी मांग को ऊपर तक पहुंचाएंगे। अब हम तो बोले हैं कि 3 महीने शासन को समय दे रहे हैं। इनकी जो मांग कुछ रखा था उसमें 2 चीज पे माननीय मंत्री जी तरफ से कह के निर्देश मिला है, कह कि जो शहीद हुआ जो हमारा अधिकारी थे, जो वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर है, इनकी स्मृति में एक वीरता पुरस्कार टाइप एक अवार्ड जल्दी कह के शासन की तरफ से करेंगे और उसमें 1 लाख अवार्ड की तरफ से दे देगा उसका। इसके अलावा क्या है कि अनुकंपा नियुक्ति है, जो उनके परिवार सदस्य जो होगा उनका पात्रता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति, ये 2 क्या कि बता के फिर अनुरोध किया कि इसकी समाप्त करने का, वो क्या कि सकारात्मक रूप से उन्होंने अभी सहमति बताई। पंजाब के अमृतसर में चुनाव अधिकारी पंजाब श्री VK सिंह ने बताया कि 11 मार्च को पंजाब चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इसी के मद्देनजर अमृतसर विधानसभा तथा लोकसभा हलके की गिनती पारदर्शी तथा सुरक्षित ढंग से कराए जाने के लिए पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए जा चुके हैं तथा किसी भी तरह की अनहोनी घटना ना हो, ऐसी प्रशासन की तैयारी है। ADGP चुनाव श्री VK भावरा ने बताया कि अनाधिकृत व्यक्ति को गिनती केंद्रों के पास आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। में कैसे हो रहे हैं ना इंतजाम, वो देखने हम आए हैं। काफ़ी जिले में गए हैं, यहीं नहीं आए हैं। कल भी हमने सारे दिन 3-4 डिस्ट्रिक्ट का कल देखा था, आज भी 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट का देख रहे हैं। काफ़ी हॉल देखे हैं, जिस किस तरीके से होता है, क्या होता है और ट्रेनिंग का क्या हुआ है, सारा एक रिव्यू कर रहे हैं। बेसिकली ट्रेनिंग मैन पावर का एक मेन का ये होता है और दूसरा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स, जो थोड़ा सा प्रॉपर फ्रिस्किंग होनी चाहिए, कोई मोबाइल नहीं अलाउड है और वेपन भी लेके कोई नहीं आ सकता, तो ये सब चीज़ों के लिए देख रहे हैं बाहर से। और अच्छा, कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो उसकी तैयारी पहले से करनी है। 11 तारीख में जिन्हें सब जानते ने अमृतसर पार्लीमेंट का बाई जोड़ा है बाईपोल और पंजाब असैम्बली की आम चोणा है, वो जी अकाउंटिंग हो जा रही है, ये सारे इंतजाम मुकम्मल कर ले गए हैं। 11 ऐसे सेंटर ने जिथे 11 हल्कों का जोड़ा अकाउंटिंग होएगी, ये उस दिन ड्राई डे घोषित किया गया है। इस तो इलावा इन काउंटिंग सेंटर उत्ते जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, 3 लेयर की सिक्योरिटी है जिदे पंजाब पुलिस, आर्म्ड पुलिस ते पैरामिलिट्री। छत्तीसगढ़ अंत्यावसायी उद्यमी प्रशिक्षण केंद्र सारंगढ़ में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे छात्र,
आलम यह है कि यहाँ विभिन्न शिक्षण ट्रेड के 5 प्रशिक्षण देने के लिए पूर्व में सैकड़ों छात्र छात्राओं की काउंसलिंग की जा चुकी है, बावजूद यहाँ केवल महिलाओं और युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। के स्वार्थ को भुनाने का यह षड्यंत्रकारी भ्रष्टाचार का खुला खेल पूर्व से वर्तमान समय में प्रभारी सतीश सिंह राजपूत के द्वारा खेला जा रहा है, जिस पर त्वरित जांच कर कार्रवाई किया जाना आवश्यक हो गया है। अब इसमें सर 15 दिन का हम लोग का थ्योरी होना था और प्रैक्टिकल भी होना था, तो थ्योरी तो पढ़ा ली है, हम लोग को प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है सर। क्यों, कारण क्या है? बोल रहे हैं सर कि हमें ऊपर की इजाज़त नहीं मिल रहे हैं, जो हम लोग को टीचर आए हैं ना वो बोल रहे हैं कि हम ऊपर की इजाज़त नहीं मिलता है सिखाने के लिए, वैसे बोलते हैं। और जो हमारे यहाँ राजपूत सतीश सिंह राजपूत सर जो है वो कहते हैं कि इन लोग को सिखाओ, और ये लोग कहते हैं कि हमें ऊपर से सिखाए, हम लोग ऊपर से इजाज़त नहीं मिल रहा है, दोनों वैसे ही बोलते हैं सर। तो हम लोग इससे समय बीतते जा रहे हैं कि स्टूडेंट लोगों का एडमिशन तो हुआ है लेकिन उन लोगों को अभी प्रशिक्षण नहीं मिला है। कितने कितने साल हो गए, कितने महीने? ये अप्रैल से बंद है, 2016 से उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। नहीं, और उनकी छात्रवृत्ति की बात करें तो छात्रवृत्ति का क्या? छात्रवृत्ति का स्थिति है, जो छात्र आते हैं यहाँ पे प्रशिक्षण में उनका उपस्थिति के आधार पे रहता है, जैसे जिस दिन अनुपस्थित रहते हैं उस दिन का कट जाता है, 1000 रुपया है छात्रों का महीने का, तो उसमें जो अनुपस्थित रहते हैं उस दिन का कट जाता है। और बाकी जो ट्रेड है जैसे बता रहे हैं आप लोग, संचालन नहीं हो पा रहा है, उन छात्रों का उपस्थिति का क्या स्थिति है? उनका भी उपस्थिति नहीं, वो भी नए हैं, उनका क्लास नया तरीके से चालू होना था लेकिन उनको प्रशिक्षण ही नहीं दिया गया, प्रारंभ नहीं किया गया है। प्रारंभ नहीं किया गया है अप्रैल से जी, मतलब 1 साल हो गए। हाँ, करीब बताया जा रहा है कि वो हमेशा नदारद रहते हैं, आते नहीं, आपके भरोसे छोड़ के चले जाते हैं। नहीं सर, ऐसे ये सब गलत है। अभी कहाँ है? अभी कहाँ है वो? अभी नहीं है। कहाँ है, कहाँ है अभी? सर कल बोले थे कि रायगढ़ जाऊँगा, तो पता है यहाँ पे उनके द्वारा कुछ लिखित में आवेदन छोड़ा गया है? नहीं। अवकाश के लिए? नहीं, नहीं छोड़ा गया। महीने में कितने बार ऐसे रायगढ़ आना जाना होता है उनका? उनका तो दौरा का काम भी रहता है, रायगढ़ का काम रहता है, तो इसलिए मैं हम लोग खुद ना पूछने का अधिकार नहीं है। तो फिर भी आप अपने अधिकारी हैं तो वो आते हैं कि नहीं यहाँ पे? रोज आते हैं। रोज डेली आते हैं? डेली का नहीं आते हैं, डेली नहीं आते? नहीं। उपस्थिति पंजी कहाँ रहती है उनकी? उपस्थिति पंजी सर की अलमारी में। तो उपस्थिति कैसी होती है उनकी, डेली आकर उपस्थिति चढ़ा के चल देते हैं? नहीं, नहीं चढ़ाते ना, मतलब अनुपस्थिति में रहती है उनकी? सर उसके बारे में मेरे को नहीं पता। INI न्यूज के साथ सारंगढ़ से नरेश चौहान की रिपोर्ट। बिहार में होली पर्व को लेकर शराब तस्करी करने वालों की हरकतें बढ़ती जा रही है। दूसरे राज्यों से लग्जरी गाड़ियों में शराब की बड़ी खेप लेकर राज्यों में प्रवेश करने की कोशिश लगातार हो रही है। इसी क्रम में जहानाबाद उत्पाद विभाग की टीम ने NH-83 से सेरथुआ मोड़ के समीप से 2 लग्जरी कार से तस्करी कर लाई जा रही शराब की बड़ी खेप बरामद की है। वहीं उत्पाद विभाग की टीम ने दोनों कारों से तकरीबन 328 बोतल शराब बरामद की है और शराब तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में देर रात एक ट्रेलर ने 2 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में 2 अलग अलग बाइक में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रायगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से लेकर अब तक परिजन और स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर यातायात बाधित किया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है और चक्का जाम करने वालों पर भी मामला दर्ज किया गया है। ये टुंडरी के पास में रात में करीब 12:30-1 बजे की बात है, घटना हुई थी। करीब 1:24 पे पुलिस वहाँ पहुंची थी, तब से कार्रवाई जारी है, चल रही है। परिजनों को बुलाया गया था, एक ट्रक के द्वारा शायद DB पावर प्लांट से आ रहा था, रायगढ़ की ओर जा रहा था। उस ट्रक ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी है, 2 बाइक में हुई है, 4 लोग थे, 2 घायल भी हुए हैं। उन लोगों को बेहतर उपचार के लिए रात में ही रायगढ़ भेजा गया था और 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और इनके परिजनों को बुलाया गया था। दोनों ही टुंडरी के रहने वाले हैं और इनके परिजनों को बुला कर समझाया गया था, तो रात में शव हटाया गया था और PM वगैरह की कार्रवाई आज कराई जा रही है। यद्यपि टुंडरी में महिलाओं ने वहाँ के मुआवजा दिए जाने की मांग और DB में नौकरी वगैरह दिए जाने की मांग को लेकर के धरना वहाँ पे किया हुआ है, चक्का जाम किया हुआ है टुंडरी में, और उसके लिए समझाइश दी जा रही है और पुलिस अपने तरफ से हेल्प करने के लिए तैयार भी है और उन लोगों से बात भी कर रहे हैं और हम लोग अभी रिक्वेस्ट किए हैं उन लोगों को कि चक्का जाम
उचित नहीं है, उसको हटा दिया जाए। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में भाजपा के वरिष्ठ नेता रामेश्वर चौरसिया ने यूपी में मारे गए आतंकी सैफुल्ला मामले में कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले उन खतरनाक आतंकियों से भी खतरनाक है। देश में हर आतंकी हमले के बाद कुछ राजनीतिक दल उसे राजनीतिक चश्मे से देखने लगते हैं तथा सबसे दुखरुद ये होता है कि उसे धर्म या फिर जाति से जोड़कर देखा जाने लगता है, जो देश के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसे में केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के साथ राज्य को ताल से ताल मिलाकर काम करना होगा। कि जो बाहर का आतंकवादी जितना खतरनाक नहीं है, उतना ये देश में रहने वाले लोग जो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं वो खतरनाक हैं। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि जब भी आतंकवादी घटनाएं होती है, हमारे राजनीतिक दल के मित्र लोग उसको राजनीति से जोड़ते हैं और जोड़ते हुए जात और मजहब का जो सहारा लेते हैं, ये सबसे खतरनाक है। ये मानना चाहिए कि अपराध की और आतंकवाद की न कोई जात है न मजहब है, अपराधी अपराधी है, आतंकवादी आतंकवादी है। तो हर स्टेट गवर्नमेंट को, चाहे बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, केंद्र के एजेंसियों के साथ सही तालमेल बिठा करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ा से कड़ा स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि देश हित में यही है कि देश में के अन्य भागों में आतंकवादी घटनाएं नहीं बढ़े। बिहार में कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत शेखपुरा में भी चुनाव जारी है, जिसके अंतर्गत 7 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 540 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर सभी BDO नगरपालिका के अधिकारियों को मजिस्ट्रेट रूप में तैनात किया गया है। वहीं मतदान केंद्रों पर सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था भी किया गया है। पंजाब के CIA स्टाफ पुलिस ने फतेह सिंह कॉलोनी इलाके में छापेमारी कर लवप्रीत गिरोह के 4 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एक महिला सहित पकड़े गए इन 4 आरोपियों से पुलिस ने चोरी के 28 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 16 तोले सोना बरामद किया है। इससे पहले भी बैंक साइड रेलवे स्टेशन से इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। बिहार के शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के टाटी पुल पर मध्य रात्रि में करीब 9 बजे ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि उसके साथी बाइक पर सवार अन्य सहयोगी घायल हो गए। पुलिस ने ट्रक और बाइक को जब्त कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घटना के बाद से ट्रक चालक फरार है। था गृह प्रवेश का बरबिघा में, वहाँ से भोज खा करके लौटने के क्रम में टाटी पुल से नीचे जहर ढूंढ रहे थे शेखपुरा की ओर, उसमें ट्रक सामने से टक्कर मार गया। जोगेंद्र प्रसाद पटना थे, संदलपुर पटना के, पटेल कॉलोनी पटना, संदलपुर पटना के, मैं उसमें उप डाकपाल के पद पर कार्यरत थे। घटना रात में 9:25 में मांग करते हैं, तो सरकार जो सरकारी प्रक्रिया है वो सरकार करेगी, और मांग कर रहे हैं कि मैंने जो मारा है धक्का उसको ट्रक पकड़ा ले है, उस पर उचित कार्रवाई हो। बिहार के भागलपुर में खरमनचक स्थित ओन जिम का उद्घाटन रेसलर दी ग्रेट खली ने किया। खली को देखने के लिए हजारों की संख्या में जिम के बाहर भीड़ जमा थी। इस अवसर पर खली ने कहा कि युवा 1 घंटे अपने शरीर के लिए समय दे, अगर अभी 1 घंटा शरीर के लिए समय नहीं देंगे तो बाद में डॉक्टर के पास घंटों समय देना पड़ेगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। बहुत सारे लोग होते जो जिनके पास कोई धन दौलत होती है, अपने बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं, लेकिन वो हेल्थ की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। ये अच्छा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जिम खोला है, और जो हमारे लिए, समाज के लिए और आपके लिए, सारे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन होएगा कोई भी, उसको जिम की ज़रूरत पड़ती है। किसी की डायबिटीज हाई होती है, उसको जिम की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे पहले जो डॉक्टर है वो रेकमेंड यही करते हैं कि आप थोड़ी एक्सरसाइज करिए, जिम करिए, ताकि मतलब जो आपका ब्लड प्रेशर है और जो शुगर है आपकी, बहुत छोटी मोटी बीमारी है, ना लगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि भी सारे लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए। इतने सारे लोग हमें मिलने के लिए आते हैं और हम लोगों ने पुश करते रहते हैं, और मोस्टली हम नहीं करते, हमारे साथ जो बॉडीगार्ड रहते हैं, तो उनके बारे में मैं बोलना चाहूँगा, जो भी सिक्योरिटी के लोग हैं, कि थैंक यू सो मच, आपके कारण हम लोग सेफली आते हैं। और जो भी लोग हैं जिन्हें धक्का जाता है, जिन्हें पुश किया जाता है, आप समझ के लीजिए कि वो सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि हमें पुश कर रहे हैं, हम देखने के लिए आए हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को ख़राब लगता है कि हमें पुश कर रहे हैं, हमें एक तो मिलने के लिए और हमें मिलने नहीं दे रहे, तो उनके भी पास कोई रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। उनके पास इतने अभी सर US से आया है,
तो उनका ख्याल रखना उनका काम है। बिहार के भागलपुर में इशाक चक के लोगों ने आज फिर इशाक चक लालू चक मुख्य मार्ग को जाम और आगजनी कर जमकर प्रदर्शन किया। यहां के लोगों का कहना है कि पूरा इशाक चक नाले के पानी से भरा हुआ है। लगातार नगर निगम को आवेदन के माध्यम से यह सूचना दी जा रही है, पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पानी अब घरों में भी घुसने लगा है। मध्य प्रदेश के सागर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में जहां जिला बार परिषद द्वारा महिला अधिवक्ताओं का सम्मान किया गया, तो वहीं केंद्रीय जेल में सजा काट रही महिला कैदियों के स्वास्थ्य में सुधार हो इसके लिए निशुल्क दवाएं वितरित की गई। इसके अलावा लॉयंस क्लब द्वारा बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी छात्राओं के बीच महिला दिवस की आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के तहत संवाद आयोजित कर महिला दिवस मनाया गया। INI न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।